अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसी कौन सी अलामत हैं जो पीरियड से पहले जाहिर होंगी तो आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है या नहीं हुई है। वैसे तो रिसर्च ने ये कहा है कि जो सबसे कन्फर्म प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है वो होता है आपके मिस्ड पीरियड्स। जब आपके पीरियड्स की डेट गुजर जाती है तो ये सबसे कंफर्म सिम्टम होता है कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। लेकिन मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि औरतों से इंतज़ार नहीं होता है और वो चाहती हैं कि हमें जल्दी से पता चल जाए कि हमारी प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई। उससे पहले भी कुछ अलामत जाहिर होती हैं लेकिन उनको समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊंगी कि आपने कौन से सिम्टम्स को किस टाइम पे नोट करना है ताकि आप ये चीज़ जान सको कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म है या नहीं है। ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स ये होते हैं और तकरीबन सबको ही पता होता है कि कौन से होते हैं। लेकिन ट्रिक ये है कि मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी कि किस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा ये वाला टाइम चल रहा है तो मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं और इम्प्लांटेशन के बाद मुझे कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। ये सब आपको पीरियड से पहले ही आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि आप अपनी ओवुलेशन को ट्रैक करो। मतलब जिस दिन आपका अंडा निकलता है ओवरी से आपको उस दिन का पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि ओवुलेशन को कैसे ट्रैक करना है तो इसके ऊपर मेरी डिटेल में वीडियो मौजूद है कि कौन से सिम्टम्स होते हैं ओवुलेशन के और ओवुलेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे लाजमी चेक कर लें। एक क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा किया जाता है, अगर आपका भी यही क्वेश्चन है और आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, तभी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। और क्वेश्चन ये है कि अगर आपको आपके ओवुलेशन डे का भी पता है और आप प्रॉपर ट्राई कर रहे हो कि आप के सारे पीरियड्स रेगुलर हैं, आपके टेस्ट भी नॉर्मल हैं और फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा, तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। जब आपको एक दफ़ा पता चल जाए कि ये आपका ओवुलेशन डे है या ये आपका फर्टाइल वीक है तो आपने उस हफ्ते में अपने शोहर से मिलना है और उसके बाद बन एक हफ्ते तक आपने सारी चीज़ें सिम्टम्स के बारे में भूल जानी है और कुछ भी नोट नहीं करना है। इसमें दो रीजन है। एक रीज़न तो इसकी ये है कि जब आप ओवुलेशन के बाद अपने शोर से मिलते हो, अगर आपका अंडा और स्पर्म मिल भी जाता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है, लेकिन उसके बाद औरतें ये चीज़ सोचती रहती हैं कि पता नहीं मेरी प्रेगनेंसी हुई है नहीं हुई है, तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं कि उसकी वजह से उनका हार्मोन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। हार्मोन लेवल डिस्टर्ब होने की वजह से आपका नुकसान ये होता है कि अक्सर औकात फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी वो एग अपने आप को बच्चादानी के अंदर अच्छे तरीके से नहीं जोड़ पाता है और आपका हमल नहीं ठहर पाता है। इसलिए आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी है ओवुलेशन के बाद। सेकंड रीज़न क्या है कि तकरीबन ओवुलेशन के एक हफ्ते तक आपको कोई सिम्टम भी जाहिर नहीं होता है। क्यों नहीं जाहिर होता है कि जब आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाए, मतलब कि एग आपका स्पर्म से मिल लिया, उसके बाद तकरीबन 3 से 4 दिन तक वो ट्यूब में ही पड़ा रहता है, वो बच्चादानी की तरफ मूव नहीं करता है, तो उन दिनों में आपको कोई भी अलामत जाहिर नहीं होती है। इसलिए तकरीबन एक हफ्ता तो आप अपना काम करने के बाद भूल जाओ। उसके बाद आपको कौन सी अलामत जाहिर होंगी? आपके तकरीबन एक साइड पे, मतलब कि एक ओवरी में आपको हल्की सी दर्द महसूस हो सकती है, साइन हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है या फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। क्योंकि जब फर्टिलाइज्ड एग आपकी ट्यूब में से हरकत करता हुआ बच्चादानी की तरफ जाता है अपने आप को वहाँ पे जोड़ने के लिए, तो उस टाइम पे थोड़ी सी उस ट्यूब में कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जो उसको हेल्प करती हैं उस बच्चादानी की तरफ मूव करने में। उसकी वजह से आपको किसी एक तरफ थोड़ी सी दर्द हो सकती है। जैसे कि कुछ मुझे क्वेश्चन भी आते हैं कि मुझे मेरी लेफ्ट साइड में या फिर पेट के राइट साइड में थोड़ी सी दर्द महसूस हो रही है, तो वो आपका प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है। देन सेकेंड थिंग, अब मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जो आपको आपकी इम्प्लांटेशन से पहले जाहिर होते हैं। वो कौन से हैं? जब भी आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आपके बॉडी में कुछ हार्मोन चेंजेस आती हैं। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं ताकि वो आगे प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। तो उन हार्मोन चेंजेस की वजह से आपकी छाती थोड़ी सी भारी हो जाती है और उसमें दर्द महसूस होती है। दूसरी बात, आपका मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब कि कभी मूड बहुत अच्छा हो जाएगा और कभी बहुत ख़राब मूड हो जाएगा।
देन थर्ड थिंग, आपको थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर ब्लोटिंग हो सकती है। तो ये सिम्टम्स आपको आपके इम्प्लांटेशन से पहले आएंगे। देन आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने वाली होगी और आपके पीरियड्स का टाइम भी पास आ जाएगा। अब कुछ लोगों में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है, कुछ में होती है। तो इस टाइम पे अगर आपके पेट के निचले हिस्से में थोड़ी सी दर्द हुई या फिर दाग लगा, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मुझे शायद पीरियड्स आने वाले हैं, लेकिन पीरियड्स नहीं आएंगे और वो दाग थोड़ा सा लग के ख़त्म हो जाएगा। ये तो कन्फर्म सिम्टम हो जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ जब वो बच्चा अपने आप को बच्चेदानी के अंदर जोड़ता है, तो वहां पर फिर वो एक हार्मोन बनाना शुरू कर देता है जिसे हम कहते हैं HCG। अब उस HCG की वजह से भी बहुत सी हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं। तब आपको कौन से सिम्टम्स आएंगे? एक तो आपका दिल खराब होगा या फिर उल्टी आ सकती है। इसके अलावा चक्कर आएंगे या फिर सर में दर्द होगा। बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी और दिल करेगा कि बस हर टाइम लेटे रहो या सोए रहो। इसके अलावा आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली ये सब चीज़ें आपको पीरियड्स के आसपास नहीं होती हैं, लेकिन जब आपका HCG रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको पीरियड्स से पहले ही या फिर पीरियड्स के एक दो दिन में ये सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर आप इनको इनके प्रॉपर टाइम पे नोट करोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी प्रेगनेंसी को समझने में। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और आप कोई भी टॉपिक चाहते हो कि उसके बारे में मैं डिस्कस करूँ या आपके क्वेश्चन के आंसर वीडियो के थ्रू करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, या फिर आप मुझे कम्युनिटी पोस्ट पर बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस तरफ से भी करवा, वो उधर से, उधर से भी सफाई कर दो, वो भी सारी मिट्टी। हाँ वो भी सफाई कर दो, उधर मारो ना झाड़ू, उस साइड, उस साइड पर, उस साइड झाड़ू मारो, इधर नहीं उस साइड पर। हाँ उधर जाओ, हाँ सही तरह सफाई करो ना। चलो बस थकने की आप।